Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और environment के current affairs को हम discuss कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या discuss करेंगे आज. तो सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, है ना. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं IUCN स्टेटस क्या है. तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. शेड्यूल वन में आती है WPA के और CMS का जो कन्वेंशन है साइट का, उसमें अपेंडिक्स वन में आती है. ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है? दिस इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ मिलती है? ये सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, है ना. तो ऐसा आ जाए कि इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया तो वो गलत हो जाएगा. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, जिसमें ईस्टर्न पाकिस्तान भी आता है ना. तो सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में मिलती है. कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं या सेंचुरीज हैं जहाँ जहाँ मिलती है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है वहाँ मिलती है, नालिया में मिलती है गुजरात में है जो कि वरोरा महाराष्ट्र में है, और बेल्लारी कर्नाटका में है. तो बेल्लारी इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट एज वेल, है ना. तो वहाँ पर ये मिलती है. तो आपको याद रखना कि डेजर्ट नेशनल पार्क नालिया जो कि गुजरात में है, वरोरा जो कि महाराष्ट्र में है, और बेल्लारी जो कि कर्नाटका में है, ये इसके इम्पॉर्टेंट मतलब मेजॉरिटी यहीं पे मिलती है. और हैबिटेट क्या है इसका, क्या कहाँ कहाँ मिलती है? तो बेसिकली सिंस राजस्थान में मिल रही है तो एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में ये मिलती है ना. एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड में मिलती है, ओपन कंट्री कंट्रीज में मिलती है, विद थॉर्न स्क्रब एंड टॉल ग्रास, है ना. यहाँ सब मिलती है. बेसिकली ये जो बर्ड है ये वेटलैंड्स या इरीगेटेड एरियाज जो होते हैं ना उनको अवॉइड करती है ना. तो वहाँ ये एक इसका फीचर है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर, एक रिकवरी प्रोग्राम के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, है ना. अब इसको बचाने के लिए हमने क्या क्या किया है कि एक फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स करके एक डिवाइस है, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स. अब ये जो डिवाइस है ये किसने बनाई है, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन. तो जो ट्रांसमिशन लाइन्स रन करती है ना वहाँ से कभी कभार टकरा के इनकी डेथ हो जाती है. तो उससे बचाने के लिए ये एक डाइवर्टर लगाया हुआ है, जिससे ये क्या करेगा, बर्ड को डाइवर्ट कर देगा ताकि ये पावर ट्रांसमिशन लाइन के पास ना आए, है ना. तो ये बेसिकली फ्लैप टाइप का सिस्टम है कुछ, है ना. पास आएगी अगर बर्ड तो वो फ्लैप चलेगा और इसको और डाइवर्ट कर देगा, है ना. तो ये आपको याद रखना है, ये है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, है ना. आगे बढ़ते हैं. इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी को सेटअप कर रही है कौन कर रही है? बिहार गवर्नमेंट कर रही है. कहाँ पे? विक्रमशिला गैंगटी जो डॉल्फिन सेंचुरी है ना बिहार में, वहाँ पे ये बिहार गवर्नमेंट जो है पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी को सेटअप कर रही है. और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके बाद ये क्या 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 होगा, इसे बेसिकली इको टूरिज्म प्रमोट होगा, लोग देखने आएंगे डॉल्फिन्स को. ठीक है, तो ये होगा. अब डॉल्फिन्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. तो ये जो हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली. ये ध्यान रखना कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलती हैं. तो ओनली लगा हुआ है इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस करके बता रहा हूँ कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलती हैं. ठीक है, तो दे प्रेफर डीप वाटर्स में मिलती हैं इन एंड अराउंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, है ना. तो जो फ्रेश वाटर रिवर्स जब कॉन्फ्लुएंस में आती है तो वहाँ फ्रेश वाटर ही होता है ना. तो वहाँ पे ये सिर्फ वहीं फ्रेश वाटर में ही मिलती हैं और ब्लाइंड होती हैं, इनकी आँखें नहीं होती हैं ना. नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, है गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का. और कौन कौन सी रिवर में मिलती है? अब इसका नाम गैंगेटिक डॉल्फिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ गंगा में ही मिलती है ना. ये वैसे ही गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का जो रिवर सिस्टम है वहाँ पर मिलती है. करनफूली सांगू रिवर सिस्टम्स में भी मिलती है. और क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलती है? नहीं, नेपाल में भी मिलती है, इंडिया में भी मिलती है और बांग्लादेश में भी इसको देखा जा सकता है. तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम में मिलती है, कर्नफूली सांगू रिवर सिस्टम्स में भी मिलती है ना. और इसको पॉपुलरली सूशू के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जब सांस लेती है ना तो ऐसे ऐसे करके आती है ये सांस, है ना. तो सूशू करके इसकी आवाज़ आती है. ठीक है, सूशू बोलते हैं इसको. तो
ये है। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में मिलती है, असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ऐसा मत सोचना कि भाई गंगा तो राजस्थान से पास करती नहीं है तो कहाँ गंगेटी डॉल्फिन मिल रही है, तो गलत ऐसे गलत मत कराना। तो यहाँ ध्यान रख लेना असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड है ना और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिलती है ये, है ना। इसके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, क्या कंजर्वेशन एक्शन प्लान ऑन फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन 2010-2020, और एक और है प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो कि इसके कंजर्वेशन के लिए काम करता है ना। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। बाकी भी स्पीशीज़ और डॉल्फिन को देख लेते हैं। तो पहली है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन कहाँ मिलती है, इंडस रिवर सिस्टम में मिलती है, जो बियास नदी आती है ना इधर, इधर कहाँ से आती है, कुल्लू के साइड से आती है शायद बियास नदी, है ना। तो वहाँ से बेसिकली वहाँ पे बेसिकली ये मिलती है। इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है ना। लोअर पार्ट्स ऑफ इंडस रिवर में मिलती है और रिवर बियास में मिलती है, ठीक है। दे हैव अडेप्टेड टू लाइफ ऑफ मडी वाटर एंड आर फंक्शनली ब्लाइंड, अगेन दिस इज शी इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, ठीक है। स्टेट एक्वाटिक एनिमल है किसका, पंजाब का। तो डॉल्फिन ये वाली किसका एक्वाटिक एनिमल है, पंजाब का। उसके बाद दूसरी आती है एरावडी डॉल्फिन। तो सारी जितनी भी डॉल्फिन है ना सारी इंडेंजर्ड है, पहली बात तो ये समझ लो। इंडस रिवर डॉल्फिन हो, चाहे वो एरावडी डॉल्फिन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हमबैक डॉल्फिन हो, सारी जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये एरावडी डॉल्फिन नाम से पता चल रहा है कहाँ मिलेगी, एरावडी रिवर में मिलेगी। एरावडी बेसिकली यहाँ म्यांमार से पास होकर आती है नीचे, है ना, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो वहाँ पर ये मिलती है ना, चिलिका लेक में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। मेकोंग रिवर में भी मिल जाएगी आपको। बेसिकली ये कहाँ आपको मिलेगी, एस्चुरीज और ब्रैकिश वाटर में रहती है ये, ठीक है। तो ये जो चिलिका लेक है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो वहाँ पे मिलती है। उसके बाद ओशन हमबैक डॉल्फिन की हम बात करें तो ये शैलो जो वाटर्स होते हैं उनको प्रेफर करती है, है ना। उसके बाद उसके बाद क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से वाटर्स में ये मिलेगी। तो बेसिकली कोस्टल वाटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका है ना, नॉर्थवर्ड्स अराउंड ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगी, मिडिल ईस्ट में मिल जाएगी और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिशिंग कैट की बात करते हैं। तो जो ये अपनी फ़िशिंग कैट है ये बेसिकली कहाँ मिलती है, ये बेसिकली आपको सुंदरबंस में मिल जाएगी, जहाँ मैंग्रोव्स रहते हैं ना, तो वहाँ पर ये कैट मिलती है। अब इसको फ़िशिंग कैट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिशिंग करती है, मतलब ये ऐसे मतलब पानी में क्या होगा कि मान लो मछली जा रही है ना, तो ये जो बिल्ली है ये जाके उसको कूदेगी और उसको खा लेगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको फ़िशिंग कैट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने फ़िशिंग कैट को चिलिका लेक का एम्बेसडर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब फ़िशिंग कैट जो है वो एम्बेसडर बन गई है चिलिका लेक की, जो कि उड़ीसा में है। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये एक नॉक्टरल एनिमल है, रात में ये लोग जगते हैं, ठीक है। और क्या ये सिर्फ फिश खाती है, फ़िशिंग नाम है तो सिर्फ फ़िश खाती है, नहीं नहीं फिश ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ़िश खाती है, फ्रॉग्स भी खाती है, क्रस्टेशियंस भी खाती है, स्नेक्स खाती है, बर्ड्स खाती है, स्कैवेंजर्स भी खाती है, स्कैवेंजर्स ऑन द कारकेसेस ऑफ लार्जर एनिमल्स, ठीक है। तो मरा हुआ जो भी जानवर है उसको भी खा लेती है, ठीक है, सब कुछ खा लेती है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलेगी, तो वेटलैंड्स आर फेवरेट हैबिटेट्स, वेटलैंड्स में मिलेगी, मैंग्रोव्स वगैरह में मिलेगी, है ना। तो सुंदरबंस हो गया, चिलिका लेक हो गया, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, वेस्टर्न घाट्स में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, है ना, शेड्यूल वन में आती है किसके, WPA के, और अपेंडिक्स टू में आती है साइट्स के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वल्नरेबल है, शेड्यूल वन में आती है और अपेंडिक्स टू में आती है ना। थ्रेट्स क्या क्या हैं, जनरली जो थ्रेट्स होते हैं ना सबके लगभग लगभग सेम ही होते हैं, पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, ये सब बहुत ही जनरल से वो हैं रीजंस हैं। तो सबके लगभग लगभग सबके स्पीशीज़ के जो वो होते हैं ना वो यही होता है, हैबिटेट लॉस हो गया, है ना, इंटेंसिव हंटिंग हो गई, और खाने पीने के लिए उसको ले लेते हैं, उसकी स्किन के लिए यूज़ कर लेते हैं, यही सब ज़्यादातर जो है वो रीजंस रहते हैं। वेस्ट बंगाल ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फिशिंग कैट एज अ स्टेट एनिमल। तो कोई पूछ ले कि भाई फिशिंग कैट किसका स्टेट एनिमल है, तो वो कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो फिशिंग कैट है वो स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना, ठीक है। नालाबाना आइलैंड जो है विद इन चिलिका लेक, इट इज़ नोटिफाइड एज अ बर्ड सेंचुरी विद इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो भाई इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया, किसको, नालाबाना आइलैंड कहाँ पर है, चिलिका लेक के अंदर है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और लाइकन्स की बात करते हैं। लाइकन्स क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पहला लाइकन पार्क बना रही है, कहाँ पे, मुनस्यारी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये याद रखना है पहली बात तो आपको कि मुनस्यारी उत्तराखंड में जो है पहला लाइकन पार्क आ रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लाइकन्स के बारे में। तो लाइकन्स के बारे में, लाइकन्स पे जो क्वेश्चन है वो पहले भी पूछा जा चुका है UPSC के थ्रू, है ना, तो हो सकता है दोबारा भी पूछ लें। तो लाइकन्स होते क्या हैं, बेसिकली लाइकन क्या होता है, लाइकन बेसिकली एक क्या होता है, लाइकन बेसिकली एक फंगी और एल्गी,
ये लोग जब दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में आते हैं, साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं, तो जो प्रोडक्ट इनसे बनता है उसको हम बोलते हैं लाइकन। मतलब ये जो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, इसको लाइकन बोलते हैं, ठीक है। तो फंगी जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता है एल्गी के साथ, तो उसको हम लाइकन बोल देते हैं। लाइकन ऐसा समझो कि, ऐसे मत समझो कि ये कोई सेपरेट एंटिटी या ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब मैंने फंगी को एल्गी से कंबाइन किया तो मेरा लाइकन बन जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि मतलब फंगी जो है वो एल्गी को हेल्प करता है और एल्गी जो है वो फंगी को हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे किस चीज़ में हेल्प करता है। तो बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, है ना, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकन इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। कंपोजिट मतलब फंगी और एल्गी से मिलकर बनाए, है ना। इमर्जेंस फ्रॉम एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लिविंग अमंग द फिलामेंट्स ऑफ द फंगी, है ना। तो ये जो एल्गी है वो फंगी के अंदर रहता है और दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो ये पूरा सिस्टम बन जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, लाइकन, ठीक है। ये समझ में आ गया लाइकन क्या होता है। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगी एंड अ एल्गी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है, क्यों ये क्या बेनिफिट हो रहा है। तो देखो, फंगी जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, फंगी जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो फंगी को कोई चाहिए, बंदा चाहिए जो उसके लिए उसको खाना दे पाए, जो उसके लिए फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो वो कौन करता है, वो ग्रीन एल्गी कर लेता है ना। तो जो एल्गी है वो बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फंगी को खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है ना। और मान लो एल्गी ये है तो इसके बाहर होता है ये फंगी, ठीक है। अब एल्गी को क्या बेनिफिट है, एल्गी भाई फूड दे रहा है इसको, तो एल्गी को क्या बेनिफिट हो रहा है। एल्गी को ये बेनिफिट हो रहा है कि ये जो इसके जो फंगी है, फंगी इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं बाहर से, है ना, यूवी रेडिएशन जो बाहर से आती हैं उससे एल्गी को प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रेडिएशन से क्या होता है, बेसिकली एल्गी डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो डायरेक्ट पड़ेंगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या है इसका सिस्टम। तो देखो, फंगी क्या करता है, फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है ना। और दूसरा एक और काम है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये एक और बेनिफिट फंगी को प्रोवाइड करता है, क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसको ये जो फंगी है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो बेनिफिट्स एल्गी देता है, एक तो एल्गी उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन रिटर्न जो फंगी होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, है ना। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो फंगी में पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो एल्गी तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है लाइकन होता है, ये याद रखना है ना, ये सब जो बताया वो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मेजर यूजेस देखें अगर हम लाइकन के, तो क्या क्या है मेजर यूजेस। तो बेसिकली कुजींस में यूज़ होता है, तो खाने वाने में भी यूज़ होता है ना, सेपरेशन ऑफ मिनरल्स में यूज़ होता है, इंडिजीनियस परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है, कन्नौज में जो परफ्यूम बनती है उसमें लाइकन डलता है, सनस्क्रीन्स में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, कुछ कुछ मेडिसिन में भी इसको यूज़ करते हैं। और ये बायो इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है ना, इट इज़ वेरी टॉलरेंट टू पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर के पॉल्यूटेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, तो जहाँ ये थ्राइव कर रहा है ना, तो वहाँ पे ये केमिकल्स का प्रेजेंस इंडिकेट करता है बेसिकली ये कि कितना है ना। फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होता है, इट एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज सीजियम स्ट्रोंटियम कंपाउंड्स विदाउट अपेरेंट हार्म। तो ये बेसिकली एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट भी काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसने कुछ कुछ नॉट दे दिया है सर्टेन कैटेगरी और प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रहा है उसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का ज़रूरत पड़ता था, है ना। अभी उस जो प्रोविजंस हैं उसमें रिलैक्सेशन लिया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी, याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, ठीक है। क्या करती है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को और जितने भी चीज़ें होती हैं जो वाइल्ड लाइफ को एनक्रोच करती हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनके लिए बेसिकली अप्रूवल्स देती है और चीज़ें डिसाइड करती है। कौन चेयर करता है इसको, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर इसको चेयर करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये बेसिकली असम में है ना।
तो असम गवर्नमेंट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि असम गवर्नमेंट ने ये जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क का स्टेटस अपग्रेड करने की बात करी है। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क बनाने की बात की गई है ना, तो अपग्रेडेशन से होगा क्या? ऑब्वियसली अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, कुछ कुछ चीज़ें आप वहाँ कर सकते हो, बल्कि नेशनल पार्क है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, तो उससे क्या होगा, बेसिकली इसको प्रोटेक्ट और किया जा सकेगा, कहाँ से, कोयल और ऑयल माइनिंग एक्सप्लोरेशन से इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज विच परमिट सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट करते हैं, जबकि कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होती है। तो नेशनल पार्क का अगर इसको स्टेटस मिल गया तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें कंजर्वेशन और ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे हम इसको, है ना। अब इसका इसको बोलते हैं हम अमेजोन ऑफ द ईस्ट, है ना। ये दिस सेंचुरी कंजर्व ऑफ बेसिकली तीन पार्ट्स में है, इसमें जयपुर, अपर दिहिंग रिवर और दिरोग रेन फॉरेस्ट तक एक्सटेंड करती है, और इकलौता ऐसा ये यू नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ना, और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को टच करता है। तो ये याद रखना कि इट इज़ द ओनली रेन फॉरेस्ट इन इंडिया विच स्प्रेड्स अक्रॉस तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, है ना। फौना की अगर बात करें तो क्या क्या फौना मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे मलायन सनबियर मिल जाएगा, क्रैब ईटिंग मंगूस मिल जाएगा, मार्बल्ड कैट मिल जाएगा, गोल्डन कैट मिल जाएगा, फिशिंग कैट मिल जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड मिल जाएगा। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, क्लाउडेड लेपर्ड, है ना, क्रैब ईटिंग मंगूस, बिंटूरोंग मिल जाएगा, तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और कौन कौन से मैमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो बार्किंग डियर हो गया, असामीज मका हो गया, कैप्ड लंगूर हो गया, ट्री श्रू हो गया, है ना, हुलॉक गिबन्स हो गया, तो ये सब आपको इधर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कहाँ पर है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। क्यों आया है न्यूज़ में, क्योंकि इसको मैन और MAB प्रोग्राम जो है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, जो वर्ल्ड नेटवर्क है ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तीसरा ऐसा रिजर्व है MP में जिसको इंक्लूड किया गया है। और कौन कौन से हैं, एक अमरकंटक वाला है ना, और एक पंचमढ़ी है। तो ये पंचमढ़ी और अमरकंटक को भी यू नो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड नेटवर्क में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से रिवर केन फ्लो करती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में रहता है, तो पूछ सकते हैं कि केन रिवर कहाँ से इस वाले से जाती है कि नहीं जाती है ना, तो यहाँ से जाती है। क्या क्या फौना मिलेगा, तो टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो मिलेगा ही, उसके अलावा यहाँ पे लेपर्ड मिल जाएगा, नीलगाय मिल जाएगी, है ना, चिनकरा मिल जाएगा, चौसिंगा मिल जाएगा, चीताल मिल जाएगा, रस्टी स्पॉटेड कैट मिल जाएगी, पॉर्क्यूपाइन मिल जाएगा और सांभर मिल जाएगा, है ना। और बाकी केन रिवर में आपको आपके घड़ियाल्स जो लॉन्ग स्नाउटेड क्रोकोडाइल्स होते हैं और मगर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, और आपका मगर इज़ वल्नरेबल, है ना। और इस एक और स्पीशीज़ होती है इसकी, कौन सा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ लीस्ट कंसर्न, तो ये आपको याद रखना है ना। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम जो क्या करता है, साइंटिफिक बेसिस यू नो इस्टेब्लिश करता है, ताकि जो रिलेशनशिप है यू नो लोगों और इन्वायरमेंट के बीच में उसको इम्प्रूव किया जा सके। नाम से ही दिख रहा है ना, मैन और बायोस्फीयर के बीच में जो यू नो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो अभी क्या है, 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 को मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ना, बायोस्फीयर रिजर्व का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे अंदर होता है एक कोर एरिया, बीच में होता है एक बफर एरिया, है ना, और उसके बाहर होता है ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। तो जो ये कोर एरिया होता है इसमें सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं ना, और ये जो बफर एरिया होता है उसमें कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं और टूरिज़्म वगैरह अलाउड होता है, और फिर जो फाइनली ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे सब कुछ अलाउड होता है, ठीक है। तो ये तीन मेजर जोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तीन मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं ताकि इन्वायरमेंट सस्टेनेबली और सोशल बेसिकली सोशो कल्चरली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि रिसर्च हो पाए, मॉनिटरिंग हो जाए और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा पाए, है ना। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, दिहांग दिबिंग और दिब्रू सैखोवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सुंदरबंस हमारे वेस्ट बंगाल में है, नोरकेक मेघालय में है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी पन्ना MP में है, और अचानक अमरकंटक जो है वो बेसिकली MP और छत्तीसगढ़ को टच करता है, दोनों में बराबर है। फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ है गुजरात में,
उसके बाद नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको सेशलम हिल्स मिलेगा, फिर देन नीलगिरी हिल्स से स्प्रेड ओवर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार इज़ इन तमिलनाडु, अगस्त्या मिलाई आपका केरला और क्या बोलते हैं तमिलनाडु के ओवर स्प्रेड है, एंड देन ग्रेट निकोबार एक और है, ठीक है। अब इसमें से वर्ल्ड नेटवर्क जो है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें कौन कौन है? तो उसमें नंदा देवी है, अचानक अमरकंटक है, नया पन्ना रिजर्व इंक्लूड हुआ है, नॉर्केक है, सुंदरबंस है, सिम्पलीपाल है, पंचमढ़ी है, ठीक है, उसके बाद नीलगिरीज है, गल्फ ऑफ मन्नार है, अगस्त्या मलाई है और ग्रेट निकोबार है, तो सॉरी ग्रेट निकोबार है, तो ये सब कहाँ हैं? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम नए रूल्स की बात करते हैं टू रेगुलेट एग्जॉटिक एनिमल ट्रेड। तो सबसे पहले तो हम ये आप ये बताओ कि एग्जॉटिक एनिमल क्या होता है, व्हाट इज़ एन एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़। तो एग्जॉटिक एनिमल वो होता है जिसको अपनी ओरिजिनल हैबिटेट से उठा के किसी नए हैबिटेट में डाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इसको अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ता है तो ये नए हैबिटेट में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हार्म करे नए हैबिटेट में आके, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर ये हार्म करता है, इफ़ दिस एग्जॉटिक स्पीशीज़ हार्म्स द लोकल यू नो लोकल स्पीशीज़, तो तब इसको हम क्या बोल देते हैं, तब इसको हम बोल देते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़, है ना। तो ये याद रखना कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ ज़रूरी नहीं है हार्म करे, है ना, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, अगर करता है तो उसको इन्वेजिव बोलते हैं, अगर नहीं करता है तो नॉर्मल एग्जॉटिक स्पीशीज़ ही होता है ना। तो इट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल्स हैं, इनमें दोनों हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, दैट आर मूव फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट टू अ न्यू वन, है ना, ड्यू टू बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन। अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें क्या बोला गया है कि जो ओनर्स हैं इसके, जो एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ के ओनर्स हैं और जिनके पास ये एनिमल्स हैं, है ना, जो जिनके पास ये बेसिकली हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ स्टेट्स के, ठीक है। अभी इसका ट्रेड जो है एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज का, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉर फॉरेन ट्रेड। तो ये अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसके अभी यू नो ट्रेड को इंक्लूड ट्रेड को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद नए रूल्स में और आया है कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो कभी भी इनकी यू नो जहाँ ये रखे जा रहे हैं एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़, उन फैसिलिटीज़ को ये इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ मीन कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से एनिमल्स को हम एग्जॉटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो उन्हीं एनिमल्स को बोलते हैं जो साइट्स के अपेंडिक्स 1, 2, और 3 में आते हैं, उन्हीं को ही हम एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ में काउंट करते हैं। जो वर्ल्ड वाइल्ड जो ये WPA के शेड्यूल में आते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। तो ये याद रखना कि एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ अपेंडिक्स 1, 2, और 3 ऑफ द कन्वेंशन में ही जो स्पीशीज़ हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़, ठीक है। साइट्स जो है, साइट्स क्या है? साइट्स एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ताकि वो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो साइट्स समझ में आ गया, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है? FATF ने। आप ये बहुत इजीली गेस कर सकते हो क्योंकि FATF जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये काहे के लिए काम करती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को हटाने के लिए काम करती है, ठीक है। ये समझ लेना कि अगर आपको ये पता है कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को हटाने के लिए काम करती है तो आप ये इजीली बता सकते हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है वो रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी होगी? वो FATF ने रिलीज़ करी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कर्मा ऐप के बारे में बात करते हैं। कर्मा ऐप क्या है? ये बेसिकली टर्टल कंजर्वेशन के लिए एक ऐप बनाई गई है ना, मोबाइल बेस्ड ऐप है। किसने बनाई है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने बनाई है ना, इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वेलियंस अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। तो इन्होंने मिलकर एक कर्मा ऐप बनाई है। आपको याद रखना है कि ये टर्टल कंजर्वेशन के लिए ऐप है, ठीक है। टॉर्टराइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड इन द कंट्री, ठीक है। तो याद रख लेना, टॉर्टराइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में होती है। ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर किसका है? ऑपरेशन थंडर बेसिकली यू नो ये जो इन्वायरमेंटल क्राइम है ना, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन थंडर को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये मंथ लॉन्ग ऑपरेशन को लॉन्च किया है ताकि इन्वायरमेंटल क्राइम जो है उसको हम रोक पाएँ। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1992 में, ठीक है। कौन कौन आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर? इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आता है ना एज अ चेयरपर्सन, और बाकी 10 मेंबर होते हैं एज अ मेंबर सेक्रेटरी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल
पार्क के बारे में। तो ये नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, भुवनेश्वर में है, किसके कंजरी लेक के बगल में है, तो ये भी आपको याद रखना है। कंजरी लेक भी भुवनेश्वर में है ना, तो आपको याद रखना है कि नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क जो है वो भुवनेश्वर में है और कंजरी लेक के पास है, ठीक है। क्यों खासी, क्या खासियत है इस नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क की, क्या खासियत है, यहाँ पे ये एक पहला जू है जहाँ पे वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग होती है, और ये सिर्फ इट इज़ अ ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडियन पेंगुलिंस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे तीन स्पीशीज स्पेसिफिक मिलते हैं, कौन कौन, वाइट टाइगर, मेलानिस्टिक टाइगर और इंडियन पेंगुलिंस, ठीक है। तो ये हो गया नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।